हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और जेक्यूई की इस क्लास में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि हेडर सेलेक्टर क्या होता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा नॉट सेलेक्टर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे एक अपना एच टैग्स बनाते हैं हेडिंग के। तो हेडिंग के हमारे पास कुल 6 टैग्स होते हैं, तो मैं वो 6 टैग्स यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये 6 H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक जो है हमारे हेडिंग के टैग्स बन चुके हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ डाटा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हेडिंग टैग्स बन चुके हैं। इसको मैं सेव करके अपने ब्राउजर में प्रीव्यू देख लेता हूँ इसका। तो ये हमारे पास 6 टैग्स हैं। अब जेक्यूरी में अगर हमने कोई चीज़ के ऊपर अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपनी जेक्यूरी की फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा होता है डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है। इसके अंदर अब हमारा सारा कोड आएगा। इसमें सबसे पहले मैं कैच करता हूँ अपने हेडिंग्स टैग्स को। तो हेडिंग टैग्स हमारे पास कौन से हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इन सबको कैच करने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर लिख देता हूँ फेड आउट, ठीक है। यहाँ फेड आउट लिख लेता हूँ और इसको 2000 सेकेंड दे देता हूँ, यानी कि 2000 मतलब 2 सेकेंड्स, और इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो ये जितने के हेडिंग टैग्स हैं ये सारे के सारे फेड आउट हो जाएंगे। तो मैं इसको आगे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो 2 सेकेंड के बाद हमारा डाटा जो है वो अरेज हो गया, फेड आउट हो गया। लेकिन अब मुझे सारी हेडिंग के लिए सब हेडिंग के नेम लिखने पड़े हैं, H2, H3, H4 और H something। तो अगर मैंने इन सबको एक ही सिलेक्टर के जरिए से सिलेक्ट करना है तो वो है हेडर का हमारा सिलेक्टर। उसके लिए मैं करूँगा डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर कॉलन हेडर लिख दूंगा और सेव कर लेता हूँ। अब इसको मैं वहाँ पर जाकर रिफ्रेश करूँगा तो सेम ही वर्क करेगा। कॉलन हेडर बेसिकली क्या करता है कि ये तमाम के तमाम जो है हमारा हेडिंग टैग्स को कैच करता है और उसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो H1 है चाहे वो H6 है, सबको ये कैच करता है। अब एक और हमारा सिलेक्टर है नॉट सेलेक्टर। नॉट सेलेक्टर बेसिकली क्या करता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे एक ही टैग्स हैं, अपने में कोडिंग व्यू में जाकर यहाँ पर आपको यहाँ पर सारे जितने भी H2 के थे H1 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने H1 की टैग्स को किया और इसको मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये फेड आउट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जेक्यूरी अप्लाई की हुई है कि हेडर के ऊपर। मैं इसको फिलहाल अरेज कर देता हूँ और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब ये अरेज नहीं होंगे। अब बेसिकली हम यहाँ पर नॉट सेलेक्टर की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं H1 टैग को कैच करूँगा। तो H1 टैग कैच करने के लिए मैं सिंपल डॉलर साइन के साथ ब्रैकेट स्टार्ट डबल सिंगल डबल या सिंगल कोट्स के अंदर आप उस टैग का नाम लिख सकते हैं जिसको आपने इनविजिबल या जो भी उसके ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई करवानी है। तो मैंने उसके ऊपर फेड आउट का फंक्शन अप्लाई करवाना है 2000 लिख देता, यानी 2 सेकेंड्स का काम के अंदर मैं फेड आउट करवाना चाहता हूँ। मैं रिफ्रेश करूँगा तो H1 के जितने भी टैग हैं वो फेड आउट हो गए। लेकिन नॉट सेलेक्टर क्या काम करता है, आप ये चाहते हैं कि आपके पास जितने भी यहाँ पर ये H1 के टैग्स हैं ये सारे हाइड हो जाए, लेकिन ये H1 का जो 2 टैग है, सेकेंड वाला टैग, ये वाला हाइड ना हो। तो इसका 2 तरीके हैं। आप यहाँ पर या तो इसको क्लास दे दो, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर नो दे दो कि आप इसको हाइड नहीं करना चाहते। आप यहाँ पर आओ सिंपल अपने कोड व्यू में, यानी जहाँ भी आपने देनी है, आप वहाँ पर आकर H1 के आगे कॉलन दो और यहाँ पर नॉट लिख दो, और नॉट के अंदर आप ब्रैकेट स्टार्ट करके तो अब उस सेलेक्टर का नाम बताओ जिसको आप हाइड नहीं करवाना चाहते। तो इसका मतलब यह है कि ये H1 जो है वो हाइड करेगा, सारे H1 हाइड हो जाएंगे, लेकिन नॉट कहता है कि उन H1 को हाइड नहीं होने देना है जो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी कोट्स के अंदर, सॉरी इसकी ब्रैकेट्स के अंदर। मैं कहता हूँ H2 को हाइड, H1 को हाइड ना करो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ H1 को हाइड करो और यहाँ पे कह रहा हूँ H1 को हाइड ना करो। लेकिन कौन से H1 को हाइड ना करो, जिसकी
क्लास, क्लास को चूंकि हम डॉट से शो करते हैं तो क्लास डॉट नो यहाँ पर शो कर देता हूँ मैं। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी H1 की क्लास नो होगी वो उसको हाइड नहीं होने देगा, बाकी सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखे कि सिर्फ वो टू वाला जिसके अंदर मैंने नो की ऑप्शन लगाई थी वो वाली हाइड नहीं हुई, बाकी हो गई है। अगर आप दूसरे किसी और को भी हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर कॉपी करो इसको, इसी क्लास को, और इस क्लास में आकर इस वाले में आगे पेस्ट कर दो। अब ये सेकेंड वाली और फोर्थ वाली जो है ये हाइड नहीं होगी, फोर्थ नहीं फिफ्थ वाली जो है वो हाइड नहीं होगी। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो ये देखें सेकंड वाली और फिफ्थ वाली हाइड नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जिसकी भी क्लास अब नो होगी वो हाइड हो नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।